श्रावणी नवरात्रि के आखिरी दो दिन अष्टमी और नवमी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इन दो दिनों में माँ की पूजा, जाप, अनुष्ठान, सेवा उपाय करने से जीवन भर खुशहाली बनी रहती है। इस बार श्रावणी नवरात्रि की अष्टमी 3 अक्टूबर को है। नवरात्रि या दुर्गा उत्सव का 8वें दिन दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इसे महाअष्टमी भी कहते हैं। अष्टमी पर महागौरी का पूजन कर कई लोग व्रत का पारण भी करते हैं और साथ ही इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं, यानी कि कन्या खिलाते हैं। बता दें कि नवरात्रि का व्रत जो लोग करते हैं तो कुछ लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि नवमी को कन्या पूजन करते हैं। ऐसे में लोगों के मन में संशय बना रहता है कि अगर अष्टमी को कन्या खिलाई है तो क्या वो इस दिन कलश हटा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने अष्टमी को कन्या पूजन की है तो आप अष्टमी पर कलश हटा सकते हैं और इसके साथ ही कलश का पानी आप घर के सभी लोगों पर छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।